हेलो स्टूडेंट्स, एम्स ऋषिकेश में टोटल 100 सीट्स है एमबीबीएस के लिए। हम सभी जानते हैं कि एम्स का एग्जामिनेशन 2020 में नहीं होगा, नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा। जितने भी टोटल एम्स हैं, टोटल 15 एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, और इनमें एडमिशन इस बार 2020 में नीट के थ्रू होगा। कट ऑफ भी वेरी करेगा। नो डाउट कि आप सभी लोग जानना चाहते होंगे कि कट ऑफ कितना रह सकता है नीट का, अगर एग्जामिनेशन होगा तो मार्क्स कितने चाहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे 2019 के अलॉटमेंट की, एम्स के थ्रू जो हुआ था ऋषिकेश में। टोटल फीस कितनी है, सीट कितनी होगी, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन क्या है ऋषिकेश में एमबीबीएस की सीट के लिए, और जो कट ऑफ है 2020 में वो कितना जाने वाला है, यानी डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो मार्क्स रिक्वायर्ड है एम्स ऋषिकेश में एडमिशन के लिए। फ्रेंड्स, उस पर हम बात करेंगे। अब बने रहिए मेडिकल बैंक के साथ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और आइए देखते हैं कि एम्स ऋषिकेश की डिटेल क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, फीस कितनी लगेगी, सीट कितनी है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, और 2020 में जो कट ऑफ रहने वाला है यानी मिनिमम कितने मार्क्स आपको चाहिए एम्स ऋषिकेश में एडमिशन के लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, हेयर इज द लिस्ट ऑफ टोटल 15 एम्स, और इसमें जब हम ऋषिकेश की बात करते हैं फ्रेंड, देर आर टोटल 100 सीट्स, यानी टोटल 100 सीट्स है एम्स ऋषिकेश में, अगर आप यहाँ पे देखें। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें फ्रेंड, देन अनरिजर्व के लिए 51 सीट्स हैं, ओबीसी के लिए 27 सीट्स हैं, एससी के लिए 15 सीट्स हैं, और एसटी कैंडिडेट के लिए 7 सीट हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिजर्वेशन है फ्रेंड्स एम्स ऋषिकेश में, लेकिन ये जो रिजर्वेशन है ये कास्ट वाइज नहीं है, यानी कास्ट कोई भी हो, पीडब्ल्यूडी अगर है तो उस हिसाब से रिजर्वेशन है। और आइए हम देख लेते हैं कि जो पीडब्ल्यूडी का रिजर्वेशन है वो डिफरेंट कैटेगरी के लिए, डिफरेंट कास्ट के लिए कितना हो जाता है। देन फ्रेंड्स, अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो ये जो टोटल 5% सीट्स है रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली इसको, ऋषिकेश में टोटल 5 सीट्स है पीडब्ल्यूडी के लिए, देर आर टोटल 5 सीट्स। और अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 3 सीट्स हैं, यानी पीडब्ल्यूडी है लेकिन किसी भी कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है, यानी वो जनरल कैंडिडेट है, तो उनके लिए 3 सीट है। ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई भी सीट नहीं है ऋषिकेश में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, राइट। टोटल 5 सीट्स रिजर्वड है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, यानी 5% का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है सारे एम्स में दिल्ली को लेकर। सो एम्स ऋषिकेश में भी सेम क्राइटेरिया है 5% का रिजर्वेशन। ओके, बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फीस की, टोटल फीस कितनी है, या फिर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें। देन फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी में एज यू नो दैट एज मस्ट बी 17 ईयर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट साइंस यानी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से होना चाहिए, लेकिन एम्स में फ्रेंड्स एक कंडीशन और है, दैट इज ऑफ परसेंटेज। सो परसेंटेज मार्क्स कितना रिक्वायर्ड होगा एम्स में अगर आपको एडमिशन चाहिए नीट के थ्रू। देन इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री में जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये होना चाहिए 60%, यानी इंटरमीडिएट में 60% से कम आपका नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं देन आपका परसेंटेज 50 से कम नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए। एंड अगर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है किसी भी कास्ट के, देन वहाँ पर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मार्क्स चाहिए दैट इज़ ऑफ 45% ओनली, राइट। ये बात होगी फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी की। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें देन फ्रेंड्स, हेयर इज द फी स्ट्रक्चर ऑफ एम्स, और फी स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स बहुत ही नॉमिनल चार्जेस होते हैं एमबीबीएस के। सबसे कम फीस अगर मैं बात करूं कि वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज एम्स न्यू दिल्ली, सारे एम्स जितने भी हैं वो नो डाउट कि बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। और अगर फीस की बात करें तो फ्रेंड्स बहुत ही कम फीस है, और फीस में जो टोटल फीस है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट में ट्यूशन फीस और लाइब्रेरी फीस वगैरह मिला के, ये टोटल फीस आपका पड़ता है सिर्फ 1628 रुपये। और हॉस्टल की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल फीस हॉस्टल की पड़ता है 4228 रुपये। फ्रेंड्स, 4228 हॉस्टल चार्जेस, 1628 रुपये ये आपका एकेडमिक फीस है। और एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फ्रेंड्स, कि ये जो फीस है डियर स्टूडेंट्स, ये फीस 5 साल के कोर्स के लिए, यानी आपके कंप्लीट एमबीबीएस के अगर हम स्टडी की बात करें देन आपको जो टोटल फीस पे करनी पड़ेगी 4228 प्लस 1628 रुपीज़, इसके अलावा आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। यानी ये जो फीस है ये फाइनल फीस है पूरे कोर्स की है, ये ईयरली नहीं है, कहीं पर भी ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ईयरली फीस है। फ्रेंड्स, ये ईयरली फीस नहीं है, ये पूरे कोर्स की फीस है, राइट।
हाँ थोड़े से चेंजेस जो है वो रिवीजन अगर होता है तो चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन 2020 में भी मान के चलिए अगर चेंजेस होते तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि 1000-2000 रुपये इधर उधर आपका अगर हो सकता है कि अप हो सकता है, लेकिन चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। फिर भी अगर अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस होते हैं तो भी आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही नॉमिनल है एम्स के लिए, राइट। क्वालिटी एजुकेशन है नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में गिना जाता है इंडिया में। NIRF की रैंकिंग से अगर हम बात करें देन एम्स न्यू दिल्ली को नंबर वन की रैंकिंग मिली है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2020 की ओर से, जो कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट HRD की ओर से जारी किया जाता है, और नंबर वन पोजीशन मिली है एम्स न्यू दिल्ली को। रैंकिंग क्या है डिफरेंट इंस्टीट्यूट की, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है फ्रेंड्स, अगर आप वहाँ पे देखें तो चैनल पे जाके आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। खैर बात करते हैं अलॉटमेंट की फ्रेंड्स, ये लिस्ट है 2019 की इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट ऑफ MBBS सीट आफ्टर ऑल काउंसलिंग 2019, यानी ये जो लिस्ट है ये 2019 की है, अलॉटमेंट है रैंक वाइज, सीरियल नंबर वाइज, कैटेगरी वाइज। फ्रेंड्स हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत की, कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे आप लोगों के कि सर एम्स के ऊपर बताइए, एम्स के ऊपर बताइए, तो फ्रेंड डेटा कलेक्ट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, इसकी वजह से वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन हम आपके लिए जो डेटा इकट्ठा करके लाए हैं दिस इज़ प्योर जेन्युइन, और हम सिर्फ फैक्ट की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अपने चैनल पे हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो फैक्ट्स के ऊपर होते हैं, वो सारे जो है पास डेटा के ऊपर होते हैं और ऑथेंटिक डेटा होता है, राइट। सो ये जो लिस्ट है ये 2019 के अलॉटमेंट की लिस्ट है, नेम वाइज लिस्ट है। अगर वन ऑफ द योर फ्रेंड्स अगर कहीं पे स्टडी कर रहे होंगे एम्स में तो फिर आप सिंपली उनका नाम यहाँ पे ऑब्वियसली होगा अगर उन्हें मिला है तो। खैर बात करते हैं, ये टोटल दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, ऋषिकेश, पटना और आपका रायबरेली, राइट, गोरखपुर, जितने भी एम्स है सबकी लिस्ट है। और इस लिस्ट को आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एक एक्सेल के फॉर्म में रखा है, और फ्रेंड्स ये है वो लिस्ट, और इसे मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश में टोटल 100 सीट्स हैं, ये टोटल 100 अलॉटमेंट स्टूडेंट की लिस्ट है, और इस 100 में फ्रेंड्स ये रैंक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज़ द रैंक ऑफ द कैंडिडेट, और ये रैंक है एग्ज़ाम 2019 में जो एम्स का हुआ था, ओके, ये नीट का रैंक नहीं है, दिस इज़ द रैंक ऑफ 2019 एम्स, ओके। और ये इंस्टीट्यूट का नेम, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, देन कैटेगरी, और उसके बाद है सीट कैटेगरी, यानी किस कैटेगरी में स्टूडेंट को अलॉटमेंट हुआ था, ओके। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की सबसे पहले, और उसके बाद हम बाकी डिफरेंट कैटेगरीज का भी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। खैर अनरिजर्व में अगर हम फ्रेंड्स बात करें देन ऋषिकेश में जो ओपनिंग रैंक थी दिस वाज 84, यानी जो एम्स में एग्ज़ाम हुआ था 2019 में 84 जिसकी रैंक थी उनका अलॉटमेंट हुआ था, फर्स्ट अलॉटमेंट और लास्ट अलॉटमेंट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स अनरिजर्व कैटेगरी में, देन रैंक गया था 906, यानी 906 रैंक वाले को लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 2019 में एम्स ऋषिकेश में अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ओके। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम ये देखें कि यानी टॉप 1000 के अंदर था, राइट, जितने भी अलॉटमेंट हुए अनरिजर्व कैटेगरी में टॉप 1000 में, एम्स जो एग्ज़ाम करता है अपनी मेरिट लिस्ट निकालता है, रिजल्ट डिक्लेयर करता है, और उसके बाद काउंसलिंग के लिए एलिजिबल स्टूडेंट को ही कॉल करता है। एलिजिबल कौन होते हैं, जितनी सीट है उसको देखते हुए टोटल 4 times ज़्यादा स्टूडेंट को ऑफर किया जाता है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और काउंसलिंग में जब 4 times ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं देन उनमें से रैंक जिसका ज़्यादा होता है चॉइस के हिसाब से और रैंक के हिसाब से इंस्टीट्यूट अलॉट किया जाता है, राइट। सो अगर ऋषिकेश की बात करें फ्रेंड्स तो लास्ट रैंक गया था 906, टोटल सीट्स अगर एम्स में दैट इज़ 1150, यानी 1150 सीट हैं, और एम्स में ऋषिकेश में 906 गया था, यानी अगर इस हिसाब से हम नीट के बारे में देखें कि नीट में ये क्या रहने वाला है, तो फ्रेंड्स ऑब्वियस सी बात है कि नीट में भी टॉप 1000 रैंक होल्डर्स के चांसेस ज़्यादा हैं एम्स ऋषिकेश में एडमिशन के लिए। यानी अगर आप सोचते हैं कि आपको एडमिशन मिले एम्स ऋषिकेश में और आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, डेफिनेटली आपको जो रैंक लाना पड़ेगा नीट में वो टॉप 1000 के अंदर अनरिजर्व में, और टॉप 1000 अनरिजर्व के अंदर लाने का मतलब है कि आपके मार्क्स जो होने चाहिए 650 के ऊपर होने चाहिए फ्रेंड्स, राइट, 650-640 के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। एम्स का जो कट ऑफ क्या रहेगा 2020 में ऑल ओवर एम्स के लिए उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है,
ऋषिकेश की हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड। 2020 में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए ये रहने वाला है टॉप 1000 रैंक, यानी 640-650 के ऊपर अगर मार्क्स हैं देन फ्रेंड्स आपके चांसेस हैं कि आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाए। हाँ, एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देंगे उनके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है रैंकिंग, इसलिए अगर डाउन जाता है स्लाइटली तो फिर ये मार्क जा सकता है 630, लेकिन 600 के नीचे फ्रेंड्स नहीं आने वाला है, ऊपर ही रहेगा। 640-650 आप मान के लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में 2020 में एम्स ऋषिकेश के लिए, राइट। बात करेंगे फ्रेंड्स ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी कैटेगरी में जो अलॉटमेंट है टोटल 27 सीट्स हैं और 27 में लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 1427, यानी 1427 रैंक वाले को मिला था अनरिजर्व कैटेगरी। और ओबीसी कैटेगरी में भी फ्रेंड्स सेम रहने वाला है, यानी 1500 के अंदर अगर आपकी रैंकिंग है राइट नीट में, लेकिन नीट में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे जो टाई होता है रिजल्ट का वो बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट के बीच में। सो इस केस में यानी आपको 1200 या फिर 1300 के अंदर रैंकिंग लानी पड़ेगी ओबीसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं। अपनी कैटेगरी में आपको जो रैंक लाना पड़ेगा वो अराउंड 1200 के अंदर लाना पड़ेगा, और अगर आप ओवरऑल रैंकिंग की बात करते हैं देन ओवरऑल आपको 1500 के अंडर में ही रैंकिंग लानी पड़ेगी, तब जाके आपको एम्स ऋषिकेश मिल सकता है। एक यहाँ पे मार्क है जो रैंक है 30290, सो 30290 फ्रेंड्स ये जो कैटेगरी है ये स्टूडेंट का है, लेकिन ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट का है राइट। सो आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि सर 1427 में अलॉटमेंट हो उसके बाद जो 30000 एक और रैंकिंग है, लेकिन ये 30000 जो है ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है, यानी अगर नीट में 25000 के अंदर पीडब्ल्यूडी का कोई स्टूडेंट है ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 25000 के अंदर अगर आपकी रैंकिंग है देन चांस है कि आपको ऋषिकेश मिल जाए, यानी लेकिन उसके लिए भी आपको जो मार्क्स लाने पड़ेंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। ओबीसी कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आपका हो जाएगा मोर देन 580 या फिर 590 मार्क्स के ऊपर ही लाना पड़ेगा राइट। क्यों? क्योंकि जो सीट है सिर्फ एक सीट है ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी की एक सीट है एम्स में ऋषिकेश में। उस केस में जो मार्क्स हायर मार्क्स होंगे नो डाउट कि जो हायर मार्क्स होंगे उसी को प्रेफर करेगा, और फ्रेंड्स एम्स है क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, इसीलिए अगर कम मार्क्स का स्टूडेंट क्वालिफाई करता है यानी कि सपोज 200 या फिर 150 या फिर 250 मार्क्स जैसे कि नीट में अलॉटमेंट हो जाता है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, एम्स में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होगा। एम्स में हायर मार्क्स अगर होंगे तब एलिजिबल होगा, नहीं होगा तो उस केस में जनरल को या फिर दूसरे कैटेगरी के जो कास्ट कैटेगरी के सपोज जैसे ओबीसी कैटेगरी है तो उसको सीट दे दिया जाएगा, हायर मार्क्स वाले को पीडब्ल्यू को अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। यानी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी अगर जनरल के या फिर ओबीसी के अकॉर्डिंगली मार्क्स रहते हैं कम हो सकता है 50-100 मार्क्स कम हो सकता है राइट, 150 तक कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत ज़्यादा 150 या 200 होगा और मुझे एम्स मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट एम्स एट 150 और 200 मार्क्स राइट फॉर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स। बात करेंगे फ्रेंड्स एससी कैटेगरी की, देन एससी के लिए अगर हम देखें सेम चीज़, एससी में जो टोटल सीट्स हैं 15 और 15 में जो लास्ट कैटेगरी गया था दिस इज 11,557, यानी 11,575 रैंक होल्डर वाले को एडमिशन मिला था 2019 में। 2020 नीट के एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स ये होने वाला है 10,000 नीट के 10,000 में, इसलिए बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि जो एम्स का एग्ज़ाम देते हैं वो स्टूडेंट कम होते हैं और जो नीट में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, तो 10,000 से अंदर अगर आपकी रैंकिंग है देन एससी कैटेगरी में आपको सीट का अलॉटमेंट हो सकता है ऋषिकेश में राइट। एसटी कैंडिडेट के लिए ये मार्क थोड़ा सा ऊपर जाएगा, और उस केस में अगर हम देखें एसटी कैटेगरी के लिए 15,000 सेम एसटी के आसपास एससी के आसपास ही है, तो 15,134 यानी अगेन अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओवरऑल रैंकिंग अगर आपकी 11,000-12,000 के अंडर है राइट, देन आपको एम्स ऋषिकेश में चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट हो जाए राइट। मार्क्स की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, मैं मार्क्स वर्सेस रैंक की एक एनालिसिस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जनरल की अगर हम मार्क्स की बात करें फ्रेंड्स ये जाने वाला है 640 या फिर 650 के ऊपर। एससी कैटेगरी में मार्क्स डाउन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जो टॉपर कैंडिडेट होंगे टॉप के कैंडिडेट्स होंगे उनको ऑफर किया जाएगा। हाँ, नीट में एक ऑप्शन आपको ये मिल सकता है कि अगर वो कैंडिडेट एम्स में अप्लाई नहीं करते हैं देन उनसे जो
कम मार्क्स के स्टूडेंट होंगे उनको दिया जाएगा, लेकिन टाई केसेस बहुत होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। 16 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं 2020 में। इस वजह से आप कोशिश करिए कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपको एम्स 2020 में नीट के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाने की ऋषिकेश में, राइट। STPWD की फ्रेंड्स अगर हम बात करें, देन आपको जो मार्क्स लाने पड़ेंगे वो 350 या फिर 400 के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो एम्स है वो अपने क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, और अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो नो डाउट कि जो टॉप के उसी कैटेगरी में बिना PWD के जो कैंडिडेट होंगे, यानी नॉर्मल कैंडिडेट SC या फिर ST कैटेगरी के लिए, उनको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। सो अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप चाहते हैं कि एम्स 2020 में आपका नेट के थ्रू एडमिशन हो जाए ऋषिकेश में, देन नो डाउट कि आपको जो मार्क्स लाने पड़ेंगे वो लाने पड़ेंगे 350 या फिर 400 के ऊपर। सो आप कोशिश करिए कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी आपको एम्स मिलने की, राइट। सो ये था फ्रेंड्स एनालिसिस 2019 के लिस्ट की, और ये जो लिस्ट है फ्रेंड्स ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ PDF फॉर्मेट में। मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपका एक इंफॉर्मेटिव आंसर देंगे आपके क्वेश्चन का। इसके अलावा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं WhatsApp के थ्रू, फ्रेंड्स स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप हमें WhatsApp कर सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपके क्वेश्चन का एक इन्फॉर्मेटिव आंसर देगी। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे एम्स पटना 2020 नीट के कट ऑफ की। सो दोस्तों कैसे लगे आपको हमारी वीडियो? अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आता है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, कंटेंट को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2020-2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग, थैंक्स अ लॉट।